आज हम लोग क्लास 6 का वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है 1 लाख इक्वल टू 10,000। सेकेंड क्वेश्चन है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। थर्ड क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। फोर्थ क्वेश्चन है 100 मिलियन इक्वल टू 10 करोड़। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 1 बिलियन इक्वल टू 10 मिलियन। पहले ये पांचों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है, 1 लाख इक्वल टू 10। सबसे पहले हम लोग लाख लिख लेते हैं, 1 लाख, 1 लाख हो गया। इसको क्या करेंगे ना, हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 बोला 10,000, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आया, कटने के बाद, डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आया 100। तो पहला आपका जो आंसर हो गया वो 100 हो जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड बोला है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। देखिए वो मिलियन जो है ना वह इंटरनेशनल पीरियड का है, सिस्टम का, इंटरनेशनल सिस्टम का है, और जो लाख है वह इंडियन नंबर ऑफ सिस्टम का है, ठीक ना। तो हम इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ाई किए थे, ठीक। तो हमें बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम का नंबरेशन कैसे होता है और इंडियन का कैसे होता है। तो मिलियन पहले बात करते हैं, हम मिलियन लिखते हैं। तो 1 मिलियन क्या होगा, 1 मिलियन हो गया। ये 1 पीरियड, 1000 पीरियड, मिलियन पीरियड, मिडिल में 1 मिलियन, और डिवाइड क्या कर देंगे, लाख से कर देंगे, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 10 बचा, ठीक। इसी तरह थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में बोलता है 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। सबसे पहले तो आप करोड़ लिखिए, 1 करोड़, और डिवाइड कीजिए किससे, आपको डिवाइड करना है 1 मिलियन से डिवाइड करना है, ठीक। तो डिवाइड 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 0 है, तो आप 6 0 पर भी काटिए, कितना बचा, 10 बचा। फोर नंबर की बात करते हैं, फोर नंबर क्या बोलता है, 100 बिलियन, 100 मिलियन बोला है, तो आप 100 मिलियन लिखिए। ये मिलियन पीरियड हो गया, ये 1000 पीरियड हो गया, और ये 1 पीरियड हुआ। ये पीरियड क्या होता है, हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि पीरियड होता है क्या है। नेक्स्ट बात करें, नीचे करोड़ है, तो इंडियन सिस्टम में करोड़ का पहले करोड़ का पीरियड, फिर लाख का पीरियड, फिर 1000 का पीरियड, फिर 1 का पीरियड, ठीक है। आप 0 से काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा, 10 बचा। फाइव नंबर की बात करते हैं, फाइव नंबर बोलता है 1 बिलियन इक्वल टू 10 मिलियन। देखिए बिलियन और मिलियन जो भी है वह इंटरनेशनल है, तो बिलियन के लिए क्या पढ़ना करना पड़ेगा, 1 बिलियन, तो बिलियन, फिर मिलियन का पीरियड, फिर 1000 का पीरियड, फिर 1 का पीरियड। नीचे में क्या बोला गया है, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का पीरियड के बाद होगा आपका उससे छोटा 1000 का पीरियड, फिर उससे छोटा होगा 1 का पीरियड। काटेंगे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका आया 1000, ठीक ना। इसको पुट कर देते हैं, सबसे पहले, सबसे पहला क्या है आपका आंसर, सबसे नंबर 1 में आया है आपका 100, सेकेंड में आया है 10, थर्ड में भी आया है 10, और फोर्थ में भी आया है 10, और फिफ्थ में आया है 1000, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 नंबर में, 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, राइट द नेम ऑफ द फ्लोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ाई किए थे, उसमें न्यूमरेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसमें पीरियड क्या होता है, कॉमा कहाँ यूज करते हैं, कैसे कॉमा यूज होता है, इसके बारे में पढ़ाई किए थे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमा डाल के इसको पीरियड क्लासीफाई कर लेते हैं कि इस नंबर में इंटरनेशनल बोला है तो कॉमा 3 पे होगा, यानी कि 4 5 के बीच में और 2 1 के बीच में। अब इसमें क्या होगा, ये 1 पीरियड हो गया, ये वाला 1000 पीरियड हो गया, और ये वाला आपका मिलियन पीरियड हो गया, ठीक। अब नेमिंग कर देते हैं, 4 क्या हो गया आपका, 4 जो है वह क्या है, मिलियन है, तो 4 मिलियन। नेमिंग करना बहुत आसान है, अगर आपको पीरियड का नाम याद हो जाए तो नेमिंग करना बहुत ही सिंपल है, वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, बहुत सिंपल है नेमिंग करना। सिंपल क्या करना है, कॉमा यूज करना है। सबसे पहले इंटरनेशनल और इंडियन के बारे में पढ़ाई कीजिए कि पीरियड होता क्या है और एक पीरियड में कितने कॉलम होते हैं, ठीक ना, कितना डिजिट हम डाल सकते हैं उसमें।
एक एक जो पीरियड है उसमें कितने कॉलम है, कितना डिजिट पुट किया सकता है। तो सबसे पहला जो आपका है इसमें हम लोग कॉमा डाल दिए, ये वो 2-1 के बीच में और 4-5 के बीच में। तो ये सबसे पहला वंस पीरियड, फिर थाउजेंड पीरियड, फिर मिलियन पीरियड। तो मिलियन पीरियड में क्या आया, फोर, तो फोर के साथ मिलियन लिख दिए, ठीक ना। हम बात करते हैं अब थाउजेंड पीरियड में, थाउजेंड में क्या आया है, 592, तो लिखेंगे 592 क्या है, तो 592 थाउजेंड है, तो थाउजेंड लास्ट में लिख देंगे, यानी कि नंबर के साथ पीरियड का नाम लिख दिए। लास्ट में क्या है, 160, 160 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेम वैसा ही नेक्स्ट होगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉमा डालते हैं इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, तो तीन पे कॉमा डाले और फिर आपका तीन पे कॉमा डाले। तो देखिए यहाँ पे एक तो कॉमा हुआ 3-2 के बीच में और 2-5 के बीच में। तो सबसे पहले वंस पीरियड, ये वाला थाउजेंड पीरियड, फिर ये वाला आपका मिलियन पीरियड, ठीक ना। तो मिलियन में क्या आया, इसके बाद मिलियन में क्या आया, टू आया, यानी कि 2 मिलियन हो गया, 2 मिलियन, ठीक ना। थाउजेंड में क्या आया, तो 583, 583, ये क्या है, 583 क्या है, थाउजेंड है, क्योंकि ये थाउजेंड पीरियड में आया है। और लास्ट में क्या आया है, 214, तो आप लिख दीजिए 214, नेक्स्ट क्वेश्चन में सी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें भी वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कॉमा डालेंगे, ठीक है ना, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो कॉमा तीन तीन पे डाला जाता है, तीन डिजिट हुआ फिर कॉमा डालें, फिर तीन डिजिट हुआ फिर कॉमा डालें। इस कॉमा में क्या देखते हैं, इसमें तीन पीरियड बना, पहला वंस बना, फिर थाउजेंड आता है, फिर मिलियन आता है, उसके बाद बिलियन आता है। तो हमारे पास तीन ही पीरियड में समट के मतलब कंप्लीट हो गया 2 डिजिट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 40 किस पीरियड में आया था, 40 मिलियन में आया था, हम लिख लेंगे 40 मिलियन। और 169 क्या है, थाउजेंड पीरियड में है, 169, 69 थाउजेंड, ठीक ना। लास्ट क्या है, 728, लास्ट में है 728 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, राइट द न्यूमरल एंड प्लेस ऑफ द कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन का है, बोला है कि आपको जो नंबर नेम दिया गया है इसमें आप करिए क्या, सबसे पहले क्या कीजिए, आपको तो राइट द न्यूमरल, न्यूमरल लिखना है, फिगर में लिखना है, एंड प्लेस द कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। आप कॉमा का यूज कीजिएगा बट इंडियन के अकॉर्डिंग, इंडियन के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी दिया है वो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग दिया गया है, आपको कॉमा इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, इंडियन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करिए, करते हैं जो भी नंबर दिया गया है नंबर नेम उसको फिगर में कन्वर्ट करते हैं, और फिगर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, कॉमा उसके इंडियन के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, सबसे पहला जो नंबर दिया गया है, एक नंबर जो क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात यहीं पे लिखते हैं, ठीक ना। पहला क्या है, 2,409,681। तो हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, शायद आपको ना मालूम हो या मालूम हो। सबसे पहले अगर हम ये इंटरनेशनल मिले हैं तो इंटरनेशनल के लिए क्या होता है, तीन बॉक्स होता है आपके वंस पीरियड में, तीन बॉक्स होता है थाउजेंड पीरियड में, और तीन बॉक्स होता है मिलियन पीरियड में, उसी तरह से तीन बॉक्स होता है बिलियन पीरियड में, ठीक ना।
इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या हम बता रहे हैं, ठीक ना। पीरियड की बात कर रहे हैं क्या होता है। वंस पीरियड में 3 बॉक्स, 1000 में भी 3 बॉक्स, मिलियन में भी 3 बॉक्स और बिलियन में भी 3 बॉक्स होता है, ठीक। सिंपल उपाय करना है क्या, जो भी क्वेश्चन वाला पुट कर दे 2 बिलियन, ठीक ना। बिलियन में क्या दिया है, 2 ही दिया है, तो बिलियन में तो 3 बॉक्स होता है और बोला है 2 ही, तो हम लोग क्या 002 लिख सकते हैं, 002। अगला क्या बोलता है, 409,000, यही ना होगा 409, तो 1000 पीरियड में 409, तो 409 डला जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, 681, तो 681 यही हुआ, तो लास्ट में 681, यानी कि आपका नंबर बना 2409681, ये नंबर हुआ। और इस नंबर में क्या करना है, आपको इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है। तो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले कॉमा 3 पे डालते हैं, फिर 2 पे डालते हैं, यही ना। यानी कि नंबर बन गया 25, कॉमा लगाएंगे, फिर 09, कॉमा लगाएंगे, 681 हो जाएगा, ठीक ना। इसी को पुट कर देना वहाँ पे, चलिए फर्स्ट आपका ये नंबर हो गया। फिर इस तरह बी की बात करते हैं, ठीक ना। बी बोलता है 60 मिलियन, देखिए यहाँ पे 60 मिलियन यही है, मिलियन में 3 डिजिट होता है, लेकिन आपको दिया है 60 मिलियन, कितना दिया है 60 मिलियन, 60 मिलियन 2 ही डिजिट है, तो आप इसमें एक और 0 लगा दीजिए, यानी कि 060 हो जाएगा 60 मिलियन। फिर बोलता है 300,000, 300 मतलब 3 पे 00, 300,000 तो ठीक है, ये 3 डिजिट है ही, ठीक ना। आगे बोलता है 197, 3 डिजिट है, तो आपका 197, यानी कि आपका नंबर जो बना वह बना 63197। आप इसमें क्या कीजिए, ठीक ना, 63197 इसमें आप क्या कीजिए, आप कॉमा यूज कीजिए इंडियन के अकॉर्डिंग, तो कॉमा, फिर यहाँ पे 2 डिजिट कॉमा, फिर कॉमा, तो ये आपका बी हो गया। हम बात करते हैं अब सी नंबर का। सी में क्या बोलता है, 412 मिलियन, 412 यानी कि 412 क्या होगा, 412, यही होगा 412 मिलियन, तो मिलियन में क्या डालेंगे, 412, ये मिलियन हो गया, ठीक, 412 मिलियन, ठीक ना। 257 ऐसे होगा, यानी कि 3 डिजिट है, 257,000, तो 1000 वाले में 257 डाल दिए, ठीक ना। 103, फिर 103 यहाँ डाल दिए वंस पीरियड में, यानी कि नंबर आपका जो सी बन गया वो 412, ठीक ना, 257103। इसको क्या करना है, आप इसमें कॉमा पुट कर देंगे इंडियन के अकॉर्डिंग, तो 3 पे कॉमा, फिर 2 पे कॉमा, फिर क्या होगा, 2 पे कॉमा, ये नंबर बन गया। आप इसको पुट कर दीजिए ये बॉक्स में जहाँ जहाँ दिया गया था, तो पहला आपका ये नंबर क्या आया था, 24 पे कॉमा डालना था, 09,681। सेकेंड मेरा आया था 603,00,197। थर्ड मेरा आया था 41,22,57,13। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ए 9 डिजिट नंबर हैज ओनली 2 इन द वंस पीरियड, ओनली 3 इन 1000 पीरियड एंड ओनली 4 इन मिलियन पीरियड, व्हाट इज द नंबर इन द, राइट द नंबर इन द वर्ल्ड यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ द नोमरेशन। सबसे क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 9 डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है जिसमें वंस प्लेस है में सिर्फ 2 है। वंस प्लेस में क्या है, सिर्फ 2 है, ओनली 3 इन द 1000, ओनली 2 इन द वंस पीरियड, ठीक, ओनली 3 इन द 1000 पीरियड, ये भी सही है, ओनली 4 इन द मिलियन पीरियड, हाँ यहाँ क्लियर हो रहा है, ओनली 4 इन द मिलियन पीरियड। अब मिलियन वर्ड का जैसे ही यूज हो गया, मिलियन पीरियड का नाम आ गया, इसका मतलब है ये नंबर जो है वह इंटरनेशनल में है, ये नंबर क्या है, इंटरनेशनल में है। देखिए वंस में और थाउजेंड में, वंस और थाउजेंड दोनों पीरियड ना इंडियन में भी आता है और इंटरनेशनल में भी आता है, तो यहाँ तक क्लियर नहीं था कि ये इंडियन सिस्टम का है, ये इंटरनेशनल सिस्टम का है, क्योंकि 1000 पीरियड दोनों जगह आता है,
ठीक ना। बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि अगर इंडियन सिस्टम होगा तो 1000 में मात्र 2 ही 3 लिखते, लेकिन इंटरनेशनल होता तो 3 लिखते। तो ये क्लियर हुआ है यहाँ से मिलियन पीरियड से। जब मिलियन पीरियड की बात आया, इसका मतलब है कि वह इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो राइट दिस नंबर इन द वर्ड, सबसे पहले तो आपको नंबर को वर्ड में लिखना है यूजिंग इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम को लिखे सिंपल क्या करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं, वही बॉक्स बना लेते हैं। हम लोग बताए थे वंस पीरियड होता है, फिर 1000 पीरियड आता है, फिर मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है। बिलियन नहीं बनाते कि बिलियन का जरूरत ही नहीं यहाँ पे। तो इसमें 3 बॉक्स होगा, इसमें भी 3 बॉक्स होगा, इसमें भी 3 बॉक्स होगा। क्या बोला है, 2 ओनली 2 इन द वंस पीरियड, मतलब इसमें क्या है, ओनली 2 है, ठीक ना। और बोला आगे ओनली 3 इन 1000 पीरियड, 1000 में क्या है, ओनली 3 है, ठीक। अगला है ओनली 4 इन मिलियन पीरियड, और मिलियन में क्या है, ओनली 4 है, यानी कि नंबर आपका क्या बन गया, 4 4 4 3 3 3 2 2 2, ये नंबर बना, ये न्यूमरल हो गया। इसमें क्या करना है, इस नंबर को नंबर नेमिंग करना है, लेकिन नंबर नेमिंग कैसे करना है, इंडियन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसको इंडियन के अकॉर्डिंग तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कॉमा डालना पड़ेगा। तो कॉमा क्या होगा, 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, यानी कि 4 4 कॉमा 4 3 कॉमा 3 3 कॉमा 2 2 2, ये नंबर आ गया, ठीक। ये इंडियन में इसको कन्वर्ट कर दे। अब इसका नेमिंग कर दीजिए ना, ये सबसे पहला क्या हुआ, इंटरनेशनल सबसे पहला जो पीरियड होता है वह वंस होता है, नेक्स्ट जो होता है वह 1000 होता है, फिर लाख होता है, फिर करोड़ होता है। अब सबका नाम लिख सकते हैं आप, 44 करोड़, ठीक ना, 43 लाख, 33,000 और 222, ये आप नेमिंग कर सकते हैं। इसी को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक, इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या है, 44 करोड़, फोर्टी फोर करोड़ 43 लाख, नेक्स्ट क्या है, 33,000 ठीक, शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 जो बोलता है, राइट द न्यूमरल फॉर द 7 करोड़ 2 लाख 109 एंड प्लेस द कॉमा टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोला है कि राइट द न्यूमरल, सबसे पहले इसका न्यूमरल लिखना है, किसका न्यूमरल लिखना है, 7 करोड़। तो देखिए, इस करोड़ की जब बात हो गया तो करोड़ तो इंडियन सिस्टम में, करोड़ तो इंडियन सिस्टम में आता है, उसके लिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। क्या है, करोड़, फिर लाख, फिर 1000, तब वंस ना, वंस में 3 बॉक्स होता है, 1000 में 2, लाख में 2 और करोड़ में 2, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम है, इसमें इंडियन सिस्टम में 2 ही बॉक्स वंस को छोड़ के बाकी सब में होता है। तो चलिए बात करते हैं, राइट द न्यूमरल फॉर द 7 करोड़, करोड़ में कितना है, 7 करोड़, ओनली 7 करोड़ है, यानी करोड़ में 1 ही डिजिट दिया गया है, तो बाकी 07 लिखाएगा, ठीक ना। 2 लाख, लाख में 2 डिजिट चाहिए लेकिन 1 ही दिया है, तो आप 02 लिखिए, 2 लाख। 109, कोई पीरियड का नाम नहीं दिया लास्ट में, मतलब वंस की बात कर रहा है, तो 109, ठीक। अब तो 1000 का जिक्र ही नहीं किया, 1000 तो है ही नहीं, तो नहीं है तो 1000 में 00 डाल देंगे, ठीक, यानी कि नंबर हो गया 7020109, ये नंबर हो गया। अब क्या करना है, इसी में बोलता है प्लेस कॉमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इस नंबर में कॉमा डालिए। कैसे कॉमा, इंडियन के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 3 पे कॉमा डालना पड़ता है, यानी कि आप कॉमा 3 3 पे डाल दिए तो आपका नंबर बन गया 7020009, ये आपका नंबर बना, ठीक, ओके।
थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4 में।